149 साल बाद ऐसा सहयोग बैठा है, चंद्र ग्रहण और गुरु पूर्णिमा एक साथ में है। हमारे साथ स्वामी प्रतापपुरी जी है, जो कि उनसे जानते हैं कि किस तरीके की इनके मायने हैं, खास तौर से गुरु पूर्णिमा को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत मायने होते हैं, क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके गुरु के बारे में कुछ बताइए। ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे तपोमूर्ति जो कभी कभी अवतार लेते हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुवर मोहनपुर जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे संपूर्ण राजस्थान की एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी, जिनके चरणों में बैठ करके जिसने भी उपासना आराधना प्रार्थना करी उसकी मनोकामना गुरु महाराज के वचनों से पूर्ण हुआ, उसका मैं साक्षात प्रमाण हूँ कि मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा और पागल हो गए थे। उस परिस्थिति में मेरी माता जी को गुरु महाराज के पास ले गए थे और गुरु महाराज पिताजी ने कहा कि हमारे घर से आज दो अर्थियाँ उठेगी, एक मेरे घर से और एक आशा है पेट में। और गुरु कितने कृपालु थे, उन्होंने आशीर्वाद देकर के पिताजी से कहा कि कोई चिंता नहीं करो, लड़का होगा और निश्चय ही वो संत बन करके सेवा करेगा। आज मेरी माता जी भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। तो ऐसे अनंत गुरु की कृपा से असंभव को संभव करने की जो शक्ति है वो गुरु के पास है। और पूज्यपाद मोहनपुर जी महाराज तो त्रिकालदर्शी थे और उच्च कोटि के योग्य पुरुष थे, उनकी तो ख्याति जितनी कहें अपन इतनी कम है। मुझे सौभाग्य मिला ऐसे परम पुरुष के चरणों में लगभग 50 साल तक रहने का और मैं मानता हूँ ये भाग्य से मिलते हैं। तो ऐसे युग पुरुष को मैं सत वंदन करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा पर, और सभी गुरु भक्तों को भी आशीर्वाद और शुभकामना करता हूँ कि श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा है वो सब कुछ प्राप्त करता है और जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। ऐसे ही एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके मिट्टी की मूर्ति बना करके भी साधना की, वो उसने सफलता प्राप्त कर ली। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसके हृदय में श्रद्धा है तो सब कुछ है, नहीं तो आप पत्थर में भगवान ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा और व्यक्ति में ढूंढोगे गुरु की महिमा तो भी नहीं मिलेगी। केवल आप उनमें अपने भाव को प्रकट करें और मैं पुनः सबको आज के पावन पौर पर्व सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सर, अभी ये देखा जाता है पहले गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा सहयोग होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हैं, परंतु परंपराओं में परिवर्तन हो गया है। जो लोग पहले जब साधना करते थे, आराधना करते थे तो गुरु के माध्यम से ही करते थे, और आजकल वो स्वयं अपने आप खोज करने की कोशिश करते हैं तब विफल भी होते हैं। बिना गुरु कोई प्राप्ति नहीं होती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, चाहे कोई भी विषय हो, पर गुरु के बगैर अपने को कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो अंततः हमें किसी के शरण में जाना पड़ेगा, किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा, वही हमारा गुरु होता है। आध्यात्मिक विषय का गुरु, व्यवहारिक विषय का गुरु, सामाजिक विषय का गुरु, कोई भी विषय, व्यापार का आपका विषय का गुरु, जिन विषय में आप जिनको अपने से परंपरागत पारंगत मानते हो और जिनके निर्देशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसी को गुरु कहा गया है। आज भी हम बाहर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, अंदर कम खोज करते हैं। आध्यात्मिक खोज करनी है, आत्मिक खोज करनी है, आत्मिक शांति प्राप्त करनी है तो निश्चय ही आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, और जिसकी हम तलाश करते हैं, जिसके लिए हम दौड़ते हैं सुख शांति और समृद्धि के लिए, तो सुख और शांति तो वास्तव में अंतःकरण की शक्ति के कारण ही मिलता है, और अंतःकरण की शक्ति गुरु के पास जाने से, आध्यात्मिक पुरुष के पास जाने से हमें प्राप्त होती है। सर, चंद्रग्रहण भी साथ में, इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये परंपरागत पौराणिक पद्धति है और चंद्रग्रहण का भी बहुत बड़ा महात्म रहता है, तो आज का जो ये दिन बहुत अच्छा महात्म्य कहाएगा, गुरु पूर्णिमा भी है और चंद्रग्रहण भी, ऐसा योग बहुत कम मिलता है और इस दिन आराधना मंत्र सिद्धि कोई करेगा तो उसको निश्चय ही सफलता मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, सर आप गुरु मंत्र मतलब कानों में दिया जाता है, ये क्या परंपरा है, इसके बारे में थोड़ा? ऐसा कुछ नहीं, अपने अपने गुरु परंपरा है, कुछ सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं, कुछ कान में भी कहते हैं, ऐसी कोई ऐसी बाध्य नहीं है कि किसी प्रकार से कान में ही कहा जाए। ठीक है, प्रतापपुरी जी थे। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आज चंद्रग्रहण है, तो जिस तरीके से चंद्रग्रहण लगेगा उसके बाद में मंदिर के कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद में जब चंद्रग्रहण ख़त्म होगा उसके बाद सुबह खोले जाएंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।